गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और आज फिर एक नया वीडियो ला रहा हूँ आप लोग के बीच में। तो आज आप लोग को दिखाने जा रहा हूँ रेल क्लीनिंग में क्या क्या सामान इस्तेमाल होता है और रेल क्लीनिंग को किस प्रकार से साफ़ किया जाता है और उसमें क्या क्या आइटम्स है जो लगता है। रेल क्लीनिंग और पेंटिंग में दोनों चीज़ मैं बताऊँगा आप लोग को कि किस प्रकार से क्या क्या करते हैं उसमें। और आगे जैसे कि अभी हमारा काम यहाँ पे चल रहा है बंडर सीमेंट लिमिटेड में, ये देख सकते हैं जस्ट हमारे पीछे प्लांट चालू हो गया है, काफ़ी दिन हुआ चलते हुए, प्रोडक्शन निकल रहा है लोग का तो काफ़ी रनिंग है। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा आप लोग को, कुछ दिन के बाद मैं आप लोग को दिखाऊँगा यहाँ में किस प्रकार से सीमेंट लोडिंग करते हैं, सीमेंट लोडिंग कैसे होता है और किस किस चीज़ से जो है वो सीमेंट बनता है, उसके लिए क्या क्या मटेरियल लगते हैं और किस प्रकार से जो है सीमेंट बनाते हैं लोग, और लोडिंग किस प्रकार से होता है वो भी मैं दिखाऊंगा, कैसे लोडिंग करते हैं, कितने इजी तरीके से लोडिंग करते हैं। तो फिलहाल अभी मैं आप लोग को दिखाने जा रहा हूँ रेल क्लीनिंग कैसे करते हैं। तो अभी हम लोग साइड पर ही हैं, बस जा रहा हूँ, काफ़ी दूर है यहाँ से, करीबन 300-400 मीटर। तो जैसे देख सकते हैं रेल वगैरह रखा गया है तो इसमें रस्ट लग गया है, ये देख सकते हैं कहीं पानी में पड़ा था और इसका डस्ट जो है थोड़ा बहुत, हालांकि बहुत ज़्यादा डस्ट नहीं होता है, जो फ्लाई एश लोडिंग होता है इसमें देख सकते हैं जो सेलो दिख रहा है फ्लाई एश लोडिंग होता है तभी डस्ट वगैरह उगता है, अदरवाइज़ बिल्कुल पोल्यूशन फ्री प्लांट है। तो ये देख सकते हैं पूरा रस्ट लगा हुआ है इसमें। और क्या क्या है पेंट का भी बताऊँगा आप लोग को, अभी तो फ़िलहाल बताता हूँ रेल क्लीनिंग में क्या क्या जो है इक्विपमेंट अपने इस्तेमाल होते हैं। तो देख सकते हैं अभी हमारा स्लीपर भी जैसे कि हमने स्प्रेड कर दिया है और आगे भी कुछ बहुत ज़्यादा प्रोसेस नहीं हुआ है क्योंकि इसका फिटिंग्स वगैरह आया नहीं है। तो फिलहाल हम लोग सोच रहे हैं कि इसका पेंटिंग वगैरह कर दें ताकि हमको आगे चल के जो है लिंकिंग में आसानी हो। तो आगे लेके चलते हैं, आपको अभी देख सकते हैं इसमें पूरा रस्ट लगा हुआ है, तो कैसे क्या उसके बारे में पूरी डिटेल आप लोग को देते हैं जानकारी आगे चल के। और इसमें कलवट भी बनाया गया है, कलवट मतलब आपको दिखाता हूँ कि जो कि ये प्लांट का जितना भी पानी है वो पानी को बाहर निकालने के लिए लोग क्या व्यवस्था कर रहे हैं, क्या जुगाड़ है वो भी मैं दिखाता हूँ। और आप लोग ऐसे ही प्यार बनाए रखें वीडियो में, हालांकि मेरे सब्सक्राइबर कम होते जा रहे हैं क्योंकि देखिए मैं डेली डेली वीडियो तो डाल नहीं पाता हूँ। और डेली वीडियो बनाने का मतलब क्या है, टॉपिक भी होना चाहिए अपने पास, तो रोज़ उतना टॉपिक हमारे पास है नहीं, थोड़ा काम भी देखना पड़ता है, साइट का आउटपुट भी निकाल के देना पड़ता है। हालांकि अगर फर्जी वीडियो बनाना चाहें बहुत सारी बन जाएंगी, बट मैं वो नहीं चाहता। तो अभी जैसा कि आप देख रहे होंगे वहाँ हाइड्रा खड़ा है तो वहाँ हम लोग को जाना है, वहाँ जाके दिखाते हैं आप लोग को। उससे पहले कि देख सकते हैं हम लोग बीच में लिंकिंग किया था तो लोग कलवट बना रहे हैं, वो कलवट भी दिखाता हूँ मैं आप लोग को कैसे है कैसे नहीं है, तो वीडियो में बने रहिएगा। तो गाइस ये देख सकते हैं अभी हम अपने ऑफिस के पास पहुँच गए हैं, ये ब्लू कलर का दिख रहा है हमारा ऑफिस है, शेड बनाया गया है। तो कभी भी अगर कंस्ट्रक्शन काम चालू करिए, कहीं भी चालू होता है या आप चालू करने की सोच भी रहे हैं, तो ऑफिस जो है वो अपने साइट के एकदम जस्ट बगल में ही डालिए, क्या उससे बहुत आसानी होता है वर्करों को भी और स्टाफ को भी, क्या ज़रा दौड़ना नहीं पड़ता है। अगर ऑफिस दूर रहेगा तो उसमें क्या बहुत ज़्यादा दौड़ना पड़ेगा आप लोग को, तो कोई बेनिफिट नहीं होता है। तो जहाँ तक है रूम और ऑफिस साइट के पास ही होना चाहिए, जितना नज़दीक मिल जाए उतना ही बढ़िया है। तो ये देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर कलवट के पास आ गए हैं, पहले इसका बनाने का कोई प्लानिंग नहीं था, ये तो अचानक में लोग बना लिए, हम लोग लिंकिंग भी कर दिए थे तो ये लोग बना दिए। आगे दिखाते हैं हम लोग को अभी क्या करने वाले हैं लोग, ये लोग का क्या प्लानिंग है कैसे करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये लोग कलवट बनाएंगे, इसमें लोग अभी क्या करेंगे, नीचे लोग राफ्ट वगैरह जो भी है डाल दिए हैं देख सकते हैं, और साइड में स्टील वगैरह बांध दिए हैं, तो इसके बीच में लोग क्या करेंगे होम पाइप डाल के
होम पाइप डालने के बाद ये लोग शटरिंग लगा देंगे, और देख सकते हैं शटरिंग रखा हुआ है। शटरिंग लगाने के बाद ऊपर से इसको जो है कास्टिंग कर देंगे, पूरा एकदम फिक्स हो जाएगा। तो ये लोग का होम पाइप डालने का प्लानिंग है। चलिए आप लोग को दिखाते हैं रेल क्लीनिंग कैसे होता है। तो गाइस हम लोग पहुँच गए हैं, देख सकते हैं लेबर लोग रेल क्लीनिंग कर रहा है। तो आपको इसका इक्विपमेंट दिखाता हूँ, किस चीज़ से रेल क्लीनिंग ये लोग कर रहे हैं, क्या है, क्या सामान लगता है। तो बस पहुँच ही गए हैं। वो टर्नआउट का आगे से ना स्लीपर हटाना है, थोड़ा बीच में है उसको हटा दो, डीजल तो डल ही गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं लोग रेल क्लीनिंग कर रहे हैं। कैसे रेल क्लीनिंग कर रहे हो भाई, क्या क्या सामान रखे हो अपने पास रेल क्लीनिंग करने के लिए? वायर ब्रश, ये देख सकते हैं ये लोग अभी क्या, वायर ब्रश। तो ये है वायर ब्रश, हालांकि ये बहुत सक्सेस नहीं है, बट इसमें दो क्वालिटी का आता है, ये तो पीवीसी वाला है, एक वुडन का आता है, तो वुडन वाला ज़्यादा सक्सेस है। तो फिलहाल ये मिला नहीं इसलिए मैं इसको लेकर आ रहा हूँ, पीवीसी वाला। और देख सकते हैं ये कॉटन, वेस्ट कॉटन ले रखा है, जिससे कि इसमें जो भी रस्ट वगैरह लगता है वो करने के बाद तो उसको कपड़े से साफ़ कर देते हैं। तो ये है रेल क्लीनिंग करने का पूरा तरीका, पूरा प्रोसीजर यही है। और इधर भी देख सकते हैं, और रेल क्लीनिंग किधर किधर किया जाता है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो ये चीज़ है साइड में, ये साइड में जो आपको दिख रहा है एक इधर करना है, एक इसके नीचे बॉटम में करना है, और एक इस साइड। अभी देख सकते हैं इस साइड नहीं क्लीनिंग किया गया है, यहाँ पे बिल्कुल क्लीनिंग नहीं किया गया है। तो ये फेस अभी है, इसको क्लीनिंग करना है पूरा, इसके ऊपर तो नहीं मारना है, ना पेंट मारना है ना क्लीनिंग करना है। तो देख सकते हैं बंदा इधर भी क्लीनिंग कर रहा है एक साइड, और ये कॉटन से इसको साफ़ भी कर रहे हैं। ये देख सकते हैं ऐसे रगड़ के साफ़ करना है, जैसे आप देख रहे हैं ऐसे रगड़ के अगर साफ़ करेंगे तो अच्छे से क्लीन होगा। ये देख सकते हैं इस प्रकार से ब्रश मारने के बाद इसको अच्छे से रगड़ना है, तभी जाके ये क्लीन हो पाएगा। तो वीडियो पसंद आ रहा होगा, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।